वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे यूएस इलेक्शन को लेकर। प्रेजेंटली यूएस में इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन जितना भी करीब आ रहा है, दिन ब दिन जो टेम्परेचर है वो उतना राइज कर रहे हैं। और इसमें एक और फैक्टर अभी ऐड हो गया है कि रिसेंट जो डिबेट हुआ था कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में, अगर हम लोग पास्ट में देखें, एक टाइम ऐसा था जिस टाइम में कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में कौन जीतेगा, ये जो परसेंटेज था ये 50-50 चल रहा था, क्योंकि बहुत कोई है जो ट्रंप को सपोर्ट कर रहा था, ऑन द अदर साइड बहुत कोई है जो कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहा था। मगर प्रेजेंटली बहुत कुछ इंसिडेंट हुआ जिसके वजह से कभी ये आगे चला जाता है, कभी वो आगे चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये डिबेट, तो फर्स्ट डिबेट हुआ था कुछ दिन पहले, मतलब जो ट्रंप के और जो बिडेन के बीच में हुआ था। उस टाइम में हम लोग देखे कि जो बिडेन ट्रंप को एग्जैक्ट आंसर नहीं कर पाए, जिसके वजह से बिडेन अपने तरफ से परफेक्टली ट्रंप को टारगेट नहीं कर पाए या फिर उनको आंसर नहीं कर पाए। ऑन द अदर साइड ट्रंप वो डिबेट के बाद बहुत खुश हो गया, क्योंकि ट्रंप का जो स्कोर था वो और भी आगे चला गया, हर कोई ट्रंप को सपोर्ट करने लगा। प्रेजेंटली वो डिबेट के बाद जो बिडेन अपने तरफ से ऐलान किया कि वो आगे जाकर यूएस इलेक्शन में नहीं रहेंगे, ये रेस से वो बाहर जा रहे हैं। ऑन द अदर साइड उन्होंने रिकमेंड किया कमला हैरिस को कि भाई हम लोग का जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, मैं चाहता हूँ कि वो आगे जाके इलेक्शन लड़े। और इस बार कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में जो डिबेट हुआ उससे हम लोग को एक चीज़ पता चलता है कि सबका टाइम हर टाइम नहीं चलता है, कोई कभी आगे जाता है, कोई कभी पीछे भी जाता है। क्योंकि इस बार जो डिबेट है उससे हम लोग को ये पता चल गया कि ये जो डिबेट है इसमें कमला हैरिस ने ट्रंप को मतलब कोई पॉइंट ही नहीं रखा, कोई चांस ही नहीं दिया उसके अगेंस्ट में कुछ बोलने के लिए। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि हम लोग अगर पास्ट में देखें ट्रंप के पास एक्सपीरियंस है, ट्रंप ऑलरेडी प्रेसिडेंट था यूएस के। ऑन द अदर साइड कमला हैरिस प्रेजेंट जो है वो आपका वाइस प्रेसिडेंट है, मगर वो प्रेसिडेंट नहीं थी कभी भी यूएस का। तो ऑब्वियसली अगर देखा जाए एक्सपीरियंस ट्रंप के पास ज़्यादा है, मगर फिर भी ट्रंप कैसे डिबेट में हार गया, क्या रीज़न है। अगर हम लोग रीज़न ड्रैग करें इस डिबेट से तो हम लोग को पता चलता है कि बहुत सारा रीजन्स है जिसके वजह से हम लोग ये जज कर सकते हैं कि भाई कमला हैरिस जो है प्रेजेंटली वो आगे है कंपेयर टू ट्रंप। और इसका मतलब ये नहीं है कि कमला हैरिस इलेक्शन जीतेगा, अभी भी इलेक्शन में राउंड अबाउट 8 वीक्स है और इस बीच में कुछ भी हो सकता है, कोई भी आगे जा सकता है, कोई भी पीछे आ सकता है। कौन इलेक्शन जीतेगा वो डिपेंड करता है जब यूएस इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। मगर प्रेजेंटली हम लोग जो डिबेट देखे उससे हम लोग को एक चीज़ क्लियर हो गया कि भाई कमला हैरिस जो है इन्होंने अपने तरफ से इस इलेक्शन को जीतने में बहुत ही मेहनत किया है, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई कमला हैरिस इतना दिन बाद ज्वाइन कर रही है, हो सकता है कि उनका जो कैंपेन है वो धीरे धीरे रन करेगा। ऑन द अदर साइड कमला हैरिस का प्रेजेंटली जो डिबेट में वो परफॉर्म की, नो डाउट शी डिड बेस्ट टू विन द इलेक्शन। तो एक एक करके पॉइंट देखते हैं कि कमला हैरिस कैसे आगे गया इस डिबेट में। अगर हम लोग दोनों का जो बात करने का तरीका है उसमें हम लोग कमला हैरिस को देखें तो ऑब्वियसली कमला हैरिस जो है वो बहुत ही पोलाइटली, साथ ही साथ बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली, मतलब उन्होंने अपने तरफ से जितना भी सेंटेंस यूज़ किया है सारा सेंटेंस उनके दिमाग में बहुत पहले ही कंस्ट्रक्ट किया हुआ था, और जिसके वजह से वो जब भी अपना कुछ पॉइंट रख रहे हैं वो सारा पॉइंट में हम लोग देख सकते हैं कि ये बहुत ही ऑर्गेनाइज वे से वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूएस सिटीजन्स के सामने। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें कमला हैरिस ने अपने तरफ से बहुत ही एक स्मार्ट मूव लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हु इज जो बिडेन, मतलब उन्होंने अपने तरफ से जो बिडेन का अगर कुछ भी, जो बिडेन के टाइम में जो यूएस में नेगेटिव हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर इकोनॉमी को ले लीजिए या फिर जॉब में जो प्रॉब्लम है वो सब ले लीजिए, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेने में अपने तरफ से कमला हैरिस ने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया। कि उनका कहना है भाई जो बिडेन के टाइम में जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार जो थे वो जो बिडेन थे, और प्रेजेंटली वो रेस पे नहीं है, और मैं जो हूँ मैं अभी पास्ट का नहीं, मैं फ्यूचर का सोच रहा हूँ। यूएस को फ्यूचर को लेकर हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और उसमें हम लोग क्या बेस्ट कर सकते हैं यूएस में, वही हम लोग का टारगेट है। तो जब भी कमला हैरिस को पास्ट के बारे में पूछा गया रिगार्डिंग जो अमेरिकन इकोनॉमी अभी सफ़र कर सकता है या फिर रिसेशन में आ सकता है या फिर अगर आप देख ले यूएस में जो जॉब का इशू है, ये सब में कमला हैरिस अपना जो है हाथ है पूरा कंप्लीटली झाड़ लिया और अपने तरफ से बोल दिया कि भाई ये सब जो था ये जो बिडेन का है पार्ट, हम लोग उसमें ध्यान नहीं दे रहे, हम लोग प्रेजेंटली जो ध्यान दे रहे वो है फ्यूचर में, आगे जाके यूएस का जो फ्यूचर है उसमें, और उसमें ही हम लोग अभी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें कमला हैरिस अपने तरफ से ऑफेंसिव खेला और कमला हैरिस ने आगे जाके ट्रंप को बोल दिया कि ये एक ऐसा इंसान है जिसको उनके पापा ने $400 मिलियन एक चांदी के प्लेट में थमा दिया और उसके बाद भी ये इंसान उसको संभाल नहीं पाया, ये 6 बार जाके बैंकरप्सी फाइल किया है। तो आगे जाके अगर इसके हाथ में यूएस का फ्यूचर जाएगा तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा आप लोग सोच ही सकते हैं। ऑन द अदर साइड कमला हैरिस जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके वजह से उनका कहना था कि वो मिडिल क्लास का जो प्रॉब्लम है, ये मिडिल क्लास का जो इशू है
यूएस में वो सब कुछ के साथ वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो वो समझ सकते हैं आगे जाके यही सारा प्रॉब्लम उसको रिजॉल्व करना है। इस अनुसार वो यूएस के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उस तरह से वो अपने प्लानिंग भी किया है। और ये मिडिल क्लास का सोच दिमाग में रखते हुए ही कमला हैरिस का कहना था कि वो हर साल मोर देन 30 लाख होम जो है वो यूएस के सिटीजन्स के लिए बनाएंगे, क्योंकि हर किसी के ऊपर जो रेंट का बर्डन है वो एक मेजर प्रॉब्लम है। और ये सब सुनने के बाद जब कमला हैरिस को पूछा गया कि आप यूएस के इकोनॉमी को लेके क्या सोचते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कमला हैरिस का आंसर था कि अगर मैं इलेक्शन जीत जाता हूँ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग यूएस के जो सिटीजन है, जो छोटा छोटा बिजनेसमैन है, उन लोगों को हम लोग लो इंटरेस्ट में हम लोग लोन प्रोवाइड करेंगे, जिसमें जो बिजनेस है वो डेवलप कर पाएगा और आगे जाके ये सारा डेवलपमेंट जो है वो यूएस के इकोनॉमी में हेल्प करेगा। ऑन द अदर साइड जब ये बात ट्रंप को पूछा गया, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ट्रंप ने कहा कि भाई मैं जब प्रेसिडेंट था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने यूएस में एक ट्रेड वॉर स्टार्ट किया था, जो ट्रेड वॉर चाइना के अगेंस्ट में है। प्रेजेंटली जो बिडेन आए, मगर जो बिडेन वो ट्रेड वॉर खत्म नहीं किया। आज के डेट में भी अगर देखा जाए ये जो ट्रेड वॉर है ये चलता रहता है, जिसके वजह से चाइना जो है सफर कर रहा है। अगर अब ये दोनों लीडर के जो स्टेटमेंट है वो अच्छी तरह सुने तो आपको एक चीज़ पता चलेगा, ट्रंप जो है हमेशा इंटरनेशनल लेवल पर रहते हैं। उनसे अगर कुछ भी पूछा जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो मिडिल क्लास जो पीपल है उन लोगों का जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगा उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ऑन द अदर साइड वो इंटरनेशनली चला जाता है कि भाई हम लोग ये कंट्री के ऊपर सैंक्शंस डाल देंगे, ये कंट्री के ऊपर टैरिफ इंक्रीज कर देंगे, ये कंट्री के अगेंस्ट में ट्रेड वॉर छेड़ देंगे। मगर मेजर जो इशू है कि जो यूएस सिटीजन है, जो मिडिल क्लास, जो उन लोग वोट करेगा आगे जाके, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों को चाहिए अपने लिए अपना लाइफ जो है वो आगे जाके सिक्योर हो, उनका लाइफ का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो। जो अप्रोच हम लोगों को इस डिबेट में कमला हैरिस की तरफ से देखा गया, मगर ट्रंप जो है वो हमेशा इंटरनेशनल लेवल पर ही अपना बात करता रहा। ऑन द अदर साइड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो ट्रंप को पूछा गया उसमें ज़्यादातर जो कमला हैरिस ने पूछा उसका कोई आंसर नहीं था, क्योंकि ट्रंप को पता था कि कमला हैरिस जो डेटा प्रोवाइड कर रहे वो कम्प्लीटली सच है। एक टाइम में ट्रंप के जो पापा थे वो एक रियल एस्टेट बिल्डर थे और उन्होंने अपने तरफ से $400 मिलियन ट्रंप को थमा दिया था, मगर ट्रंप ने वो संभाल नहीं पाया और जिसके वजह से ट्रंप 6 बार बैंक्रप्सी ऑलरेडी फाइल कर चुका है। तो अगर देखा जाए ट्रंप जो है वो मिडिल क्लास से बिलोंग नहीं करता है, ऑन द अदर साइड कमला हैरिस जो है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। कमला हैरिस आज के डेट में डिबेट में जो जो बात बोला है वो सारा कुछ मिडिल क्लास के साथ कनेक्ट होता है। ऑन द अदर साइड ट्रंप जो जो बात बोले वो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं कि भाई चाइना के अगेंस्ट में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके जो टैरिफ है वो इंक्रीज कर दे, ऑलरेडी जो बिडेन ये एक सब कर रहे हैं, मगर उससे किसका फ़ायदा होगा? अगर देखा जाए यूएस का फ़ायदा होगा, मगर यूएस में किसका फ़ायदा होगा? ट्रंप के दोस्त जैसे कि टेस्ला के ओनर है एलन मस्क, क्योंकि अगर देखा जाए ये जो टैरिफ इंक्रीज होगा इसके वजह से हो सकता है कि यूएस में ज़्यादा कार मैन्युफैक्चर हो, और जिसके वजह से सबसे पहले जो बेनिफिटेड होंगे जो मैन्युफैक्चरर है या फिर जो ओनर है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करते हैं उन फैक्ट्रीज का, जिनमें एक है आपका टेस्ला के ओनर एलन मस्क, और नो डाउट उनका तो एकदम पूरा सपोर्ट जो है वो कम्प्लीटली जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो ये सब सुनने के बाद आप पूछ ही सकते हो कि भैया ये जो डिबेट था ये कौन जीता? नो डाउट ये जो डिबेट था ये जीता कमला हैरिस ने, मगर कौन डिसाइड करता है? आगे जाके इसका जो डिसीजन है ये पब्लिक ही कर लेता है, क्योंकि पब्लिक के तरफ से अगर आप ये डिबेट देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एंड ऑफ द डे आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आपके अनुसार किन का जो आंसर था वो कम्प्लीटली आपके साथ कनेक्ट होता है। ऑन द अदर साइड कभी भी अगर आप कुछ डिसीजन नहीं ले पाते कि कौन जीता या फिर दोनों में टाई हुआ है या फिर नहीं, ऐसा अगर कभी होता है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, आप एग्जैक्टली जो मीडिया है उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो होता है जो पार्टी हार जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग मीडिया को यूज़ करते हैं, और वो लोग मीडिया को यूज़ करने के बाद एक ही चीज़ रेस करने का कोशिश करते हैं कि भाई जो जीता है वो चीटिंग से जीता है। इस बार अगर हम लोग देखें X.com या फिर अगर आप CNN को देखें तो ऐसे बहुत सारा न्यूज़ आ रहा था जिससे ये पता चल रहा था कि कमला हैरिस जो है वो जीत गई है, और इसके वजह से उन लोगों का कहना था कि कमला हैरिस ने चीटिंग किया। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूज़ थोड़ा सा वायरल हुआ जिसमें कहा जा रहा है कि कमला हैरिस ने जो ज्वेलरी पहना था उसमें वो एक डिवाइस लगाया हुआ था जिसको यूज़ करके कमला हैरिस जो है वो सारा क्वेश्चन जो कमला हैरिस से पूछा जा रहा था ओबामा उनको गाइड कर रहे थे, और कमला हैरिस अपने तरफ से वो आंसर एग्जैक्टली पब्लिक कर रहे थे। तो अगर देखा जाए ये कम्प्लीटली गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। कमला हैरिस प्रेजेंटली जो आंसर दिया है वो कम्प्लीटली उनका खुद का है। ऑन द अदर साइड डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच होता है, जिसके वजह से हम लोग को ये पता चलता है कि ये जो इलेक्शन है या फिर ये जो डिबेट है ये कौन जीता है। आगे इलेक्शन कौन जीतेगा वो हम लोग को फ्यूचर में पता चल जाएगा। एक और फैक्टर इसमें काम करता है वो है वुमन फैक्टर। कमला हैरिस का कहना है कि अगर ट्रंप जीत जाता है तो ट्रंप आगे जाके अबॉर्शन जो है उसको बैन कर देगा यूएस में।
तो ये जब ट्रंप ने सुना, ट्रंप ने बोला कि मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, ट्रंप जो है वो कम्प्लीटली जो कट्टर क्रिश्चियन है उन लोगों को सपोर्ट करता है, और उन लोगों का कहना है कि अबॉर्शन होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी लाइफ को पहले ही मार देना नहीं चाहिए, उन लोगों को ये दुनिया में लाना चाहिए। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, यूएस के जो फीमेल वोटर्स हैं उन लोगों का कहना है कि अबॉर्शन ऑब्वियसली यूएस में होना चाहिए। और इसके अलावा भी अगर देखा जाए, जो फीमेल वोटर्स हैं वो लोग इंस्टेड ऑफ ट्रंप कमला हैरिस को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आगे जाके यूएस के इलेक्शन में ये सब जो फैक्टर है ये मैटर करे, या फिर अभी भी 8 वीक्स बाकी है जिसके अंदर बहुत सारा और भी इंसिडेंट हो, तो ये फैक्टर वो उस टाइम में इफेक्ट होगा या नहीं होगा कम्प्लीटली हम लोग को पता चल जाएगा जब इलेक्शन होगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और वीडियोज देखने हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANUPAUL को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी सब्सक्राइब करें जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, जब भी कोई वीडियो आएगा आपके पास इंस्टेंट नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ऑन द अदर साइड उसमें जाके आपको जो इंटरेस्टिंग वीडियो लगता है, आप प्लीज़ वो वीडियो को अपने लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो टेस्ट है, आपको क्या देखना अच्छा लगता है उन तक पहुँचता है, और हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगा। थैंक यू।